अध्याय 11 20वीं सदी में संचार माध्यम। हमारे पास ऐसे अनेक तरीके व उपकरण हैं जिनके माध्यम से दूर स्थित देश दुनिया की तमाम खबरें हम तक पहुंचती रहती हैं। दूसरी ओर हम भी विभिन्न तरीकों व उपकरणों के माध्यम से दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। जो चीज़ें हमारे विचारों और संदेशों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाने का काम करती है या दूसरों से हम तक खबरें लाती हैं, उन्हें संचार के उपकरण या माध्यम कहा जाता है। इन संचार उपकरणों के अलावा भी हम अपने दैनिक जीवन में सूचनाओं व विचारों के आदान प्रदान के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिसमें मौखिक, लिखित और ध्वन्यात्मक संप्रेषण के अलग अलग तरीके शामिल हैं, जैसे बोलना, चिल्लाना, चित्र बनाना, इशारे करना, ढोल बजाना, लिखना आदि। यह संप्रेषण के मूलभूत तरीके हैं। आधुनिक संचार उपकरणों के विकास के पूर्व से ही मानव समाज में संदेशों व विचारों के आदान प्रदान के उपयुक्त विविध तरीके प्रचलित रहे हैं। आपने नवजागरण के समय छपाई प्रेस के आविष्कार और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा था। औद्योगिक क्रांति के बाद कई ऐसी मशीनों का आविष्कार हुआ जिससे सूचना व विचारों का आदान प्रदान तीव्र और आसान हो गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस टेलीग्राफ, टाइपराइटर, चलचित्र, कैमरा जैसे उपकरणों व मशीनों का विकास हुआ। इन आविष्कारों से कम समय में और दूर दूर रहने वाले अधिकाधिक लोगों तक किसी संदेश या विचार को पहुंचाना आसान हो गया। संभवतः इसी दौरान विकसित उपकरणों व मशीनों ने 20वीं सदी के समाज को गहन रूप से प्रभावित किया। पिछले 150 वर्षों में संचार माध्यमों की भूमिका इस कदर बढ़ी है कि आज एक ही घटना को विश्व भर के लोग एक साथ देख व अनुभव कर सकते हैं, एक तरह के विचारों के बारे में सोच सकते हैं और एक ही तरह की चीज़ों के लिए चाहत रख सकते हैं। संचार माध्यम विशाल पैमाने पर लाखों लोगों को, जो अलग अलग देश, भाषा व संस्कृति के हैं, सबको एक ही सूचना, एक से विचार और एक से उत्पादनों के विज्ञापन एक ही समय पर उपलब्ध कराता है। अतः संचार माध्यम केवल सूचना पहुंचाने का माध्यम न रहकर बहुजन माध्यम या मॉस मीडिया बन गया है, जो विशाल जन समुदाय के सोच विचार और जीवन शैली को प्रभावित और नियंत्रित करने लगा है।